Hello students, I am Ashish Agarwal and I have been teaching mathematics at Samarkand. So let us discuss JEE Mains 2017 code B. We start with question number 31. The first problem जो मैथ के पेपर में पहली प्रॉब्लम थी, उस केस में आपको किसी ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, के कॉमा माइनस थ्री के, फाइव कॉमा के और माइनस के कॉमा टू। ट्राइंगल का एरिया तो आपको दे रखा है, उधर का 28 स्क्वायर यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया हाफ के माइनस थ्री के वन, फाइव के वन माइनस के टू वन इज इक्वल टू 28 विद अ प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस के क्योंकि हम जानते हैं हमें मॉडुलस आएगा, तो मॉडुलस टाइम तो ऑब्वियस बात है प्लस माइनस आ जाएगा। तो के माइनस थ्री के प्लस वन, फाइव के वन माइनस के टू वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 56। तो आप जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दो केसेस बनेंगे हमारे पास में। एक इसको सॉल्व करके आता 5 के स्क्वायर प्लस 13 के प्लस 10 और इधर आ जाता प्लस माइनस 56 और ये आ गया 5 के स्क्वायर प्लस 13 के प्लस 66 इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये बनेगी और दूसरी इक्वेशन बनेगी 5 के स्क्वायर प्लस 13 के माइनस 46 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का डी लेस देन जीरो है, इसलिए इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। जबकि इस इक्वेशन से के की दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू आपको मिलेगी 2, दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस 23/5 जो कि इंटीजर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और जब ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई तो के इक्वल टू वर्टिसेस आ गए, वर्टिसेस हो गए 2 कॉमा माइनस 6 एंड देन 5 कॉमा 2 एंड देन माइनस 2 कॉमा 2। और आप ये देख सकते हैं अगर मैं तीनों वर्टिसेस की बात करूं, ये एक वर्टेक्स है माइनस 2 कॉमा 2, एक 5 कॉमा 2, तो एक माइनस 2 कॉमा 2, एक 5 कॉमा 2 और एक 2 कॉमा माइनस 6। अब हमें इस ट्रायंगल का ऑफ सेंटर बताना है। इस लाइन का स्लोप 0 है तो ऑल्टीट्यूड का स्लोप इनफाइनाइट होगा, यानी ये जो ऑल्टीट्यूड है ये वाली ऑल्टीट्यूड होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इसलिए ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट हम अल्फा मान लेते हैं, तो इसका स्लोप इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप मान लो हम इसे कह देते हैं ए, ये बी और ये सी, तो बी डी का स्लोप एम ऑफ बी डी इंटू एम ऑफ एसी ये माइनस वन होना चाहिए और जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो एम ऑफ बी डी, बी डी का स्लोप अगर हम लिखें तो अल्फा माइनस टू अपॉन फोर इंटू स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप लिखेंगे एट अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, एट अल्फा माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12 जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन में 2 कॉमा हाफ लिखा है, तो दैट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन
is equal to 10, where n varies from 1 to n. जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट n वेरिएबल फ्रॉम 1 टू n x स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 x 2n माइनस 1 x प्लस n स्क्वायर माइनस n दैट इज व्हाट वी गेट एंड दिस इज इक्वल टू 10 n सो दिस कम्स आउट टू बी n x स्क्वायर प्लस ये सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर है जिसका सम हम डायरेक्टली जानते हैं n स्क्वायर होगा सो 2n माइनस 1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स जिनका सम n स्क्वायर होगा तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर x प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इनटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n इनटू n प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 10 सो दैट इज व्हाट वी गेट और ये सॉल्व करने पर वी विल गेट द इक्वेशन एज इक्वेशन हमें मिलेगी वो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू टेन दैट इज द इक्वेशन दैट वी गेट अब हमें कह रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इंटीजर रूट्स हैं और वो भी कॉन्सिक्यूटिव इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है जो अल्फा एक इंटीजर है तो दूसरा रूट होगा अल्फा प्लस वन और दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वन यानी कि डिफरेंस अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा जो कि इंटीग्रल रूट्स हैं उन दोनों का डिफरेंस हमें वन दिया है तो मैं इसे लिख सकता हूं स्क्वेयरिंग करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें दैट इज एन स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज एन स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री माइनस तो जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं वी गेट n स्क्वायर इक्वल टू 121 n इक्वल टू 11 और ये वैल्यू है इनकी 11 हम इक्वेशन में रखकर पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि रूट्स आते हैं -6 और -5 जो कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं सो n की वैल्यू 11 सैटिस्फाई करती है जो कि फिर से चॉइस ए फर्स्ट आंसर हो जाता है 32 का सो द आंसर ऑफ 32 इज फर्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें एक फंक्शन चैप्टर से हम जानते हैं प्रॉब्लम है फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये फंक्शन दिया है हमें इसको क्लासिफाई करना है इनटू 1 1 मेनी 1 नॉन इंजेक्टिव सब्जेक्टिव सब आप पहली बात तो ये नोट करेंगे ये फंक्शन ऑड है दूसरा अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो अगर आप इसे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लें तो ऑब्वियसली आते हैं यहाँ डिग्री फिर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग यानी कि इस फंक्शन में 1 पर मैक्सिमा आएगा और माइनस 1 पर मिनिमम अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कम आउट टू बी लाइक दिस क्योंकि इन्फिनिटी पर वैल्यू जीरो जाएगी ये 1 पर वैल्यू आएगी हाफ और जैसा मैंने बताया कि फंक्शन कैसा है ऑड और जब फंक्शन ऑड होता है तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो जैसा ग्राफ इधर बना वैसे ही ग्राफ इधर बन जाए और ये माइनस वन पर वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो रेंज आएगी वो आएगी क्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू हाफ इसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन सर्टेनली सब्जेक्टिव है और क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला है इसलिए ऑब्वियस ही बात है फंक्शन के साथ होगा मिनिमम क्योंकि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आज हाफ जो वैल्यू आ रही है मतलब हाफ से नीचे जो भी वैल्यू है कि वो दो एक्स की वैल्यूज पर सेम वैल्यू हमें मिल जाएगा देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमम तो इसका मतलब ये फंक्शन सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव देयरफॉर द आंसर फॉर 33 इज 4
Now coming to question number 30. Now coming to question number 34, which is a problem from reasoning. We have, the best way to do this problem would be to construct a truth table. आप एक truth table बनाएं. तो पहला ये है P implies Q. तो अगर मैं आपकी यहाँ Q लिख लेता हूँ. True. मैंने आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए. तो P implies Q. True. False. True. True. That is what we get. क्योंकि P implies Q true तब होगा जब false तब होगा जब यहाँ P true हो और F यानी कि Q जो हो वो false हो क्योंकि P implies Q का मतलब अगर P true है तो Q भी true होना चाहिए. Only then this will go wrong when P is true and Q becomes false. This is false. Next is not P implies Q. पहले तो आप not P को सोच लें. Not P होगा या false. False true true. False false true. True true true. True false false. Not P. नेगेशन ऑफ P की बात करेंगे तो यहाँ false false true true. और फिर आप उसको not P implies Q को देखेंगे. You get this. फिर not P implies Q. Implies Q. अब not P implies Q यानी आप इस और इस कॉलम को देखें. True true true. True false false. True true again true. False false again true. Next the last one जो हमें इसमें analyze करना है वो है P implies Q. Implies not P. Implies not P. Implies Q. Implies Q. यानी अब हमें कुल मिलाकर एक कॉलम तो ये और एक कॉलम ये देखना है. So true true is true. False false is again true. True true is again true. True true is again true. So this means this statement is always true. Hence it is a tautology. So therefore the answer to this problem is, so it becomes a tautology. The answer for this problem will be 2. So 2 will be the correct option, which is a tautology. That is, it is always true. Now coming down to question number 35. 35 was really a good problem. And this was a bit tricky one in this paper. 35 में obviously बात है ये problem जो है Cramer's rule से a set of three linear equations दे रखा है. X plus Y plus Z equal to 1. X plus AY plus Z equal to 1. और AX plus BY plus Z equal to 0. Now this is a good problem I should say. अगर हमें इस equation का कोई solution नहीं चाहिए तो हमें पता है condition for no solution would be सबसे पहला primary condition delta 0 होना चाहिए. Now when we put delta equal to 0, we get 1, 1, 1, 1, A, 1, A, B, 1, equal to 0. So when you open it out, you get A minus 1, minus B plus 1, minus B. Sorry. So when you solve this out, you get A minus B. That is the first thing that you get. Then minus 1 into 1, minus A. And then lastly you get B minus A square. So that is what we get. So this B goes with this B. We get A square minus 2A minus 2A plus 1 equal to 0. So A comes up to be 1 and B comes up to be R. We can be any real number. So this delta is 0 whenever A is 1 and B belongs to any real number. So if you put in A equal to 1 over here, you get three planes. X plus Y plus Z equal to 1, X plus Y plus Z equal to 1, and X plus B Y
plus z equal to 0. Now when you look at these three equations, these two are identical. That is, these are two overlapping planes. Therefore, these are not two planes, they become just one plane only. And this plane, or ye plane, this plane ko cut karega. Agar cut karega to infinitely many solutions milenge. So no solution ke liye sirf ek condition ho sakti hai, wo ye, ki wo plane iske parallel ho jaye. अगर ये प्लेन पैरेलल हो जाए तो ऑब्वियसली बात है एक ही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो अगर हम चाहते हैं कि ये अगर प्लेन P1 और ये P2 प्लेन इक्वल है और ये P3 प्लेन है, तो मैं बोलूंगा कि P1 और P3 पैरेलल हो जाने चाहिए. और पैरेलल ये तो होंगे जब B1 बंद होगा. तो यानी अगर B1 बंद हुआ तो उस केस में आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ B जिसको उसने S बोला है, उसे पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी पॉसिबल. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी जो पॉसिबल होंगी वो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगी. देयरफॉर बी शुड बी द सेट एस शुड बी अ सिंगल डन सेट. इसलिए इसका आंसर 1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 35 कोड बी. अब क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच वाज अ प्रॉब्लम फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व. वी हैड द कर्व्स x plus y less than equal to 3. So let us draw this x plus y equal to 3. Less than equal to 3, therefore we need the area below this line. X square equals to 4y. So therefore it is this area. And it is less than equal to 4y, so we need the area inside this. Abhe iske andar wala area chahiye. Aur y equal to 1 plus root x. Ye free hoga. Aur ye 1 plus root x mein sirf ek hi branch aayegi parabola ki. क्योंकि ये पैराबोला है विद शिफ्टेड वर्टेक्स, द वर्टेक्स लाइज एट 0, 1, लेकिन सिर्फ एक ही ब्रांच आएगी 1 प्लस रूट एक्स. अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का, ये आ जाएगा 2, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1, एंड वी नीड दिस एरिया below the line inside the parabola and obviously और साथ में इस parabola के भी अंदर ये parabola ये area हमें चाहिए. तो ये area आप सीधा सीधा इसको integral कर दें 0 से 1 1 plus root x dx फिर plus 1 to 2 line को integrate कर लें 3 minus x dx और फिर minus कर लें 0 से 2. ये पैराबोला x स्क्वायर बाय 4 dx. सो व्हेन यू सॉल्व इट आउट यू गेट 5 बाय 2 स्क्वायर रूट. सो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम वुड बी 36 फर्स्ट. सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 5 बाय 2 स्क्वायर मिनट्स. कमिंग डाउन टू 37, प्रॉब्लम नंबर 37. Problem 37, you give it 225a square plus 9b square plus 25c square minus 75ac minus 45ab minus 15ac equal to 0. This is 15a whole square plus 3b whole square plus 5c whole square minus 15a into 5c minus 15a into 3b and minus 5a into 15a into c, 15ac. तो लास्ट प्रॉब्लम में 15bc, मतलब दिस वाज bc, तो 5 दिस विल बी 3b इनटू 5c इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c. वी नो दैट दिस क्वांटिटी कैन ओनली बी 0 व्हेन फॉर रियल नंबर्स व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c. सो देयरफॉर आई शुड से दैट 15a इक्वल टू 3b
25c is equal to, let us say this is k. Now a is equal to k by 15, b equal to k by 3, and c is equal to k by 5. Now you can easily verify that b, c and a are in AP. That is 2b is equal to a plus c. You can easily verify that. Next, problem number 38. Now, problem number 38 was a problem on permutation and combination. It was said that there are two people, X and Y, who have seven friends. There are four ladies and three men. Similarly, this second person has three seven friends again, which are three ladies and four men. Now they want to invite six people at a party, and we have been given the condition that among those six people, three people should be from the friend circle of X and three people should come from the friend circle of Y. So let us make the following cases. We have, say, he calls three men, and here we will have three ladies. Then we can have two men, one lady, and here we will have one man and two ladies, because in all six guests have to be called. One man, two ladies, two men, one lady, and eventually three ladies, three men. So three men, three ladies, 3c3 into 3c3, which is 1. Two men, that is 3c2 into one lady, 4c1. One man, 4c1. Two ladies, 3c2. So this comes out to be 144. So 144. Next, one man. So 3c1 into 4c2 into 3c again. Two men, that is 4c2 into 3c1, it is 18 square, that is 324. And lastly, three ladies, 4c1 and four men, 4c1. This is 16. And when you add all of this, you get 485. So 485 is the answer. And in code B, this answer was written in option B, that is second. So the answer for this is second is the answer for this. ये कब दे रखा है, इस पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, मतलब फाइंड आउट करेंगे पहले हम उस पॉइंट पर जहाँ पर ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करती है. तो ऑब्वियसली बात है कि y की वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो ये आप लिख सकते हैं x+6 / x²-5x + 6. तो dy/dx जब फाइंड करते हैं तो आ जाता है x²-5x + 6 - x²-5x + 6 - x+6 = 2x - 5. और इसमें क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए उस पॉइंट पर जहां पर ये कर्व y को क्रॉस करती है x0, सो दिस कम्स आउट टू बी 6 आ गया इधर और यहाँ आ जाएगा 6 - 30 + 36. दिस कम्स आउट टू बी 1. नॉर्मल का जो स्लोप हो गया वो ये -1, और जैसे ही हम इसमें x को 0 रखते हैं y की वैल्यू -1 मिलती है, 0 रखने पर 1 मिलेगी. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं y - 1 = x - 0 - -1, so x + y = 1. और इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करने वाला है, सो पूछा है कि कौन सा पॉइंट इस नॉर्मल पर लाई करता है, इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर हो जाएगा. देखो द आंसर इज 3. नाउ कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 में एक हाइपरबोला दिया है, उसके फोकस भी दिए हैं. द फोकस वर गिवन टू बी लाइंग एट +-2, 0
Here we have been given that the focus, the two foci of the hyperbola, r plus minus 2 comma 0, and the hyperbola passes root 2 comma root 3. Now this is equal to AE. That is AE, we can say from here that is A is 2. Hyperbola hum equation mein maan sakte hain, x square upon a square minus y square upon b square. B square ko likh sakte hain a square into e square minus 1 equal to 1. So this is x square upon a square minus y square upon 4 minus a square equal to 1. और ये root 2 का और root 3 से पास होता है तो वो इसी बात हम इसकी equation को satisfy करेंगे. E upon 4 minus a square equal to 1. So this is 8 minus 2a square minus 3a square is equal to a square into 4 minus a square. So this comes out to be a to the power 4 minus 9a square plus 8 is equal to 0. A square की दो value आ जाएगी, 1 और 8. 8 reject करेंगे क्योंकि अदरवाइज जो b है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इसके बजाय हाइपरबोला बन जाएगा. देयरफॉर हाइपरबोला बिकम्स x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें रिक्वायर्ड पॉइंट p पर, दैट इज √2 कॉमा √3 पर, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी √2x माइनस y / √3 इक्वल टू 1. और ये पूछा गया है कि इन चार पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है. इफ यू लुक एट ऑप्शन 3 व्हिच इज 2√2, 3√3, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है. ऑब्वियसली द आंसर वुड बी 3 फॉर दिस प्रॉब्लम. देयरफॉर कोड बी क्वेश्चन नंबर 40 द आंसर इज 3. दैट इज. थैंक यू.